कल्चरल प्रोग्राम होना है, तो हम सबके बीच में बस अब कुछ सेकंड के बाद मालिनी अवस्थी, मालिनी अवस्थी से हिंदुस्तान पे इस वक्त होंगी। मालिनी मैम हमारे साथ जुड़ चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल से हिंदुस्तान पे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम आज बेहद खूबसूरत दिन है और जेएनयू कैंपस से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी निकल करके जाने वाला है। आज विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण भी होना है, इस मौके पर क्या आप कहना चाहेंगे इस कैंपस से? जिस तरीके की अभी तक आवाजें उठती रही हैं, आज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। मुझे लगता है कि सकारात्मकता का संदेश है आज यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना होना और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, ये आज ही ऐतिहासिक क्षण है और बहुत हम लोग को प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य कि आज मुझे यहाँ गाने का आज सुअवसर मिल रहा है और हम सब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हुए उनका, उनके गुरु के साथ संबंध, एक गुरु शिष्य का क्या संबंध होता है, ये तो ठाकुर और विवेकानंद जी को पढ़ करके सुन के आप जान सकते हैं। और ये भी संस्थान है जो विश्व स्तरीय संस्थान है, वहाँ पर स्वामी जी जिनकी शिक्षाएं एक स्वस्थ सकारात्मक समाज को बनाने की थी, तो यहाँ पर तो ये बहुत पहले को जाना चाहिए। लेकिन मैम जी, आप उनके लिए क्या कहेंगे जो, जिनको राष्ट्रवाद प्रतीकों से दिक्कत हो रही है या जो इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं? मुझे लगता है ऐसे लोगों को वाकई इंट्रोस्पेक्शन का समय है, उनको भी आत्मावलोकन करना चाहिए, पुनर्निरीक्षण करना चाहिए कि वो किससे उनको दिक्कत है। उनको भारत माता से दिक्कत है कि उनको राष्ट्रीय ध्वज से दिक्कत है कि उनको भारतीय सेना से दिक्कत है या फिर हर वो चीज जो संस्कृति की बात करती है। मुझे लगता है कि ये चीजें, इस प्रकार के विरोध अब किनारे हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया ये बात देख चुकी है कि ये ऐसी जो भी आवाजें हैं जो भारतीयता के खिलाफ होंगी उनको समाज एक सिरे से नकारता है और ये अब इस तरह की सोच होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर स्थापित होना, आप सोचिए विश्व को कितना सुंदर संदेश जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक आज स्वागत का दिन है, स्वागत होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तो देखिए यहाँ स्वागत की तैयारियां हैं। माननीय अवस्थी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मैम देखिए बेहद खूबसूरत पल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ मौजूद नहीं होंगे लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे, कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हमने देखा दो गेट है यहाँ जेएनयू कैंपस की, नॉर्थ पे अलग तस्वीर, ईस्ट पे अलग तस्वीर हमें देखने को मिली। नॉर्थ पे एक तरफ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे, आवाज उठ रहे और ये कहा जा रहा है कि देश में जब भी माहौल होता है बिहार चुनाव का हवाला दिया जा रहा है, कहीं बंगाल चुनाव का, बंगाल में भी दिलीप घोष जी पे हमले हुए हैं आज। आज अच्छा अवसर है, आज तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें ही नहीं करनी चाहिए। जो इस प्रकार के विरोध है, विरोध अपने आप दम तोड़ देंगे। इस प्रकार के जो घटनाएं है, इस प्रकार जो ऐतिहासिक आज क्षण है, इसको देख करके अपने आप विरोधी किनारे होंगे और विरोध के सुर, देखिए ठीक है लोकतंत्र है, अपनी बात है कहना चाहिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को जो पढ़ेगा, जो उनका अध्ययन करेगा, उसको एक बार स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ लेनी चाहिए, उनकी शिक्षाएं जो पढ़ लेगा, तो यहाँ पर विरोध का कोई अर्थ ही नहीं है। कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर आप गिरते हैं तो उठना भी होगा और तब तक आप जारी रखिए उस संघर्ष को जब तक आप प्राप्त ना कर ले, तो वो यहाँ से एक आज शुरुआत नहीं हो रही है और ये उनका संदेश था कि उठो जागो जब तक और लगे रहो जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो। और ये एक चिर देखा हुआ हम लोगों का स्वप्न है जो आज पूर्ण होने। मालिनी जी हम अभी तो थोड़ी देर में आपको सुनेंगे जब आप स्टेज पर जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी पंक्ति, भले ही आप गाने में ना, लेकिन वैसे ठीक है लेकिन कुछ ऐसी बात जो आप संदेश कुछ ऐसा यहाँ दें। आज तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ थी। और सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।